أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students I'm your teacher Slim Yusuf and it is my lecture number 5 for the students of BSIT and for the students of BSCS second semester today we shall discuss the topic of audio visual aids it is a long topic and it will cover two lectures तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक ऑडियो विजुअल एड्स का है ये एक लॉन्ग टॉपिक है और दो लेक्चर्स में कवर होगा तो इससे पहले कि हम इसको तफसील से पढ़ना शुरू करें आइए देखते हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स इस लफ्ज़ का मतलब क्या है ऑडियो मीन्स समाज सुनने से मुतल्लिक और विजुअल बसारत यानी देखने से मुतल्लिक और एड्स वो चीज़ें जो कि आपकी मदद करती हैं किसी काम की तकमील में और ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब है वो डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक एंड नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो आलात जो कि एक कम्युनिकेटर की मदद करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में पैगाम आगे पहुंचाने में दीज आर द फैसिलिटेटर्स तो आज का अपना ये लेक्चर हम शुरू करते हैं ऑडियो विजुअल एड्स की डेफिनेशन से जी उम्मीद है कि यहाँ फोकस बिल्कुल क्लियर होगा ओके जी लेट मी स्टार्ट डेफिनेशन बाय ऑडियो विजुअल एड्स वी मीन द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड इन बिजनेस कम्युनिकेशन फॉर देयर अपील टू द ईयर एंड द आई जी हाँ इस डेफिनेशन को अभी थोड़ी देर पहले मैंने उर्दू में एक्सप्लेन किया कि ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब है वो आलात जो कि आपकी आँखों को आपके कानों को सपोर्ट करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में आपकी मदद करते हैं कोई चीज़ आपको दिखाते हैं कोई चीज़ कोई पैगाम आपको सुनाते हैं अब इस डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स की इम्पोर्टेंस क्या है इसकी अहमियत क्या है इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस इज नो मोर अ नेटिव फिनोमिनन रेदर इट इज इंटरनेशनल इन इट्स नेचर मल्टीनेशनल कंपनीज आर इमर्जिंग इन द वर्ल्ड टू मैनेज बिजनेस ओके इन द वर्ल्ड तक मैं एक्सप्लेन कर दूं कहा गया कि आज के इस दौर में कारोबार बिजनेस एक इलाकाई चीज़ नहीं रहा ये तो इंटरनेशनल बन गया है अपने आप में अपने अंदाज में यानी एक ज़माना था कि जब कारोबार एक शहर या चंद एक गांव और शहर के दरमियान हुआ करता था महदूद था क्योंकि रोड्स नहीं थे मींस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे गाड़ियां नहीं थी मगर आज के इस दौर में जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में बिजनेस एक बैन अलाक़वामी चीज़ है ये किसी एक शहर या चंद शहरों तक महदूद नहीं बल्कि बड़े बिजनेसेस तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और डेफिनेटली ऐसे बिजनेसेस को हैंडल करने के लिए हमें कुछ आलात दरकार होते हैं तो उसी का जिक्र हम नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट लाइंस में पढ़ रहे हैं आइए देखते हैं टू मैनेज बिजनेस एट इंटरनेशनल लेवल इज नॉट अ मैनुअल टास्क इट नीड्स समथिंग मैजिकल हाँ जी तो कहा गया कि इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस को हैंडल करने के लिए एक शख्स नहीं दरकार इसके लिए तो हमें कोई जादुई ताकतें चाहिए होती हैं थैंक्स टू टेक्नोलॉजी विच हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मैनी ऑडियो विजुअल एड्स टू हेल्प बिजनेसमैन इन हैंडलिंग देयर बिजनेस और वो जो जादुई ताकतें हैं वो ऑडियो विजुअल एड्स हैं जिनकी मदद से हम बिजनेस को हैंडल करते हैं एक फर्द वाहिद अपने दफ्तर में बैठा हुआ एक टेलीफोन और एक कंप्यूटर की मदद से कई शहरों में दुनिया के कई ममालिक में अपनी बात पे पहुंचाता है अपना पैगाम पहुंचाता है अपना हुक्म सादिर करता है और मामलात सुलझा रहा होता है
तो कंप्यूटर का, इंटरनेट का इस्तेमाल, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल, यही वो जादुई ताकतें हैं, यही वो ऑडियो विजुअल एड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक और कुछ नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से अब बड़े पैमाने पर बिजनेस को हैंडल करना आसान हो चुका है। हाँ जी, तो नेक्स्ट सेंटेंस में पढ़ रहा हूँ। किधर गया जी? इट नीड्स समथिंग मैजिकल थैंक्स टू टेक्नोलॉजी विच हैज इंट्रोड्यूस्ड मैनी ऑडियो विजुअल एड्स टू हेल्प बिजनेसमैन इन हैंडलिंग देयर बिजनेस। द प्रोसेस ऑफ न्यू इन्वेंशंस इज गोइंग ऑन। और कहा गया कि जो प्रोसेस है नई नई इजादात का, ये कॉन्टिन्यू है, जारी है। द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इनेबल्स अ मैनेजर हैंडल बिजनेस अफेयर्स, गिव इंस्ट्रक्शंस, बुक ऑर्डर्स एंड कंडक्ट मीटिंग्स एट नेशनल एंड एट इंटरनेशनल लेवल। जी हाँ, ये वही बात जिसका हमने अभी जिक्र किया कि एक फर्द वाहिद अपने दफ्तर में बैठकर ऑर्डर्स भी बुक करता है, मीटिंग्स भी कंडक्ट करता है, हुक्म सादिर भी करता है, मालूमात वसूल करता है, फीडबैक वसूल करता है, और इस तरह से बिजनेस को हैंडल किया जाता है। द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम सेविंग एंड समथिंग मॉडर्न। और इन ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल सबसे पहले तो हमारा वक्त बचाता है, हमारा खर्च बचाता है, और इनका इस्तेमाल हमें जदीद होने का एहसास देता है। यानी वो बिजनेस फर्म्स, वो कंपनीज जो कि आज के इस दौर में जदीद ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके कस्टमर्स सेटिस्फाई हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कंपनी जदीदियत पसंद है, जदीद आलात का इस्तेमाल करते हैं। इसके बरक्स जो इदारे आज भी पुराने, 100 साल पुराने तरीकों पर, जैसे कि डाक पर इन्हिसार करते हैं और पर्सनल मीटिंग्स पर, फेस टू फेस मीटिंग्स पर इन्हिसार करते हैं, उनकी रेप्यूट ज़माने में बहुत अच्छी नहीं होती, और ऐसे इदारे तकरीबन ना होने के बराबर हैं आज के इस दौर में। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स की इम्पोर्टेंस से मुतलिक, देर इज़ अ मिसकॉन्सेप्ट दैट ऑल ऑडियो विजुअल एड्स आर एक्सपेंसिव एंड ओनली हाईली रिच यूरोपियन एंड अमेरिकन बिजनेस मैन कैन यूज़ देम। जी, एक मिसकॉन्सेप्शन है हमारे इस मुल्क में, गरीब ममालिक में भी, कि जनाब ऑडियो विजुअल एड्स तो बड़ी एक्सपेंसिव हैं, बड़ी महंगी हैं, और यूरोप और अमेरिका के कुछ इंतहाई अमीर ताजिर सरमायादार ही इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, हकीकत कुछ और है। कुछ एड्स डेफिनेटली महंगी होती हैं, लेकिन कुछ बहुत सस्ती भी हैं, और अपने इस लेक्चर में हम बहुत सी ऐसी ऑडियो विजुअल एड्स का जिक्र करेंगे जिनमें से कुछ एक्सपेंसिव और कुछ इनएक्सपेंसिव है, यानी सस्ती हैं, और इनके ज़िक्र से ना सिर्फ आपको एज स्टूडेंट फ़ायदा होगा, आप अपना पेपर हल करने के काबिल होंगे, बल्कि आने वाले ज़माने में व्हेन यू आर इन प्रैक्टिकल लाइफ, व्हेन यू आर योरसेल्फ अ बिजनेस पर्सन, यू विल बी एबल टू यूज़ वन ऑफ दीज एड्स और मैनी ऑफ दीज एड्स इफेक्टिवली, कॉस्ट इफेक्टिवली। यानी जब आप मुस्तकबिल में ख़ुद किसी बिजनेस का हिस्सा बनेंगे, कोई बिजनेस मैन बनेंगे, कोई मैनेजर बनेंगे, तो आपके पास नॉलेज होगा और आप इनमें से चंद एक ऑडियो विजुअल एड्स को, डिवाइसेस को अपने कारोबार की प्रोजेक्शन के लिए, अपलिफ्ट के लिए इस्तेमाल करने के काबिल होंगे। तो आइए आगे चलते हैं, फर्दर पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी ऑडियो विजुअल एड्स हैं जो हमारे काम आ सकती हैं, कौन सी एक्सपेंसिव हैं, कौन सी इनएक्सपेंसिव हैं, और उनमें से कुछ एड्स जिसका हम जिक्र कर रहे हैं अपने इस चैप्टर में, कुछ लेटेस्ट हैं, कुछ ओल्ड हैं, लेकिन अभी भी इस्तेमाल होती हैं और उनकी अहमियत को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। इन द लेक्चर वी शैल डिस्कस चीप एंड एक्सपेंसिव एड्स, वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर यूज्ड एंड हाउ दे आर एंड हाउ देयर यूज स्पॉट अस। यानी हम ये देखेंगे
कि कौन सी एड्स, कौन से आलात महंगे हैं, कौन से सस्ते हैं, इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है और इनका इस्तेमाल किस अंदाज में हमारे बिजनेस को, हमारे कारोबार को फ़ायदा देता है। हाँ जी, सबसे पहले हम टेलीफोन से शुरू करेंगे। टेलीफोन जो कि एक बड़ी आम चीज़ है और पिछली सदी में इसके मुकाबले की कोई चीज़ ना थी, ये हैरान कुन ईजाद थी इंसान की। टेलीफोन इज़ द मदर ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो डिवाइसेस, यानी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो डिवाइसेस है उनमें ऑडियो डिवाइसेस मुराद वो जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी, उनमें रेडियो के बाद टेलीफोन मदर ऑफ इन्वेंशंस की हैसियत रखता है। रेडियो का हम जिक्र इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि रेडियो बिजनेस कम्युनिकेशन में इस तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ कभी भी जैसे कि टेलीफोन या सेलुलर फ़ोन या कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। हाँ, रेडियो का सिर्फ एक इस्तेमाल ये था कि उससे लोग ख़बरें सुना करते थे, बिजनेसमैन अपने मतलब की ख़बरें सुन लिया करते थे, बाकी लोग अपनी अपनी पसंद से मुतलिक ख़बरें सुना करते थे। और चूँकि रेडियो को इंटरटेनमेंट के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता रहा है जब रेडियो के अरूज का ज़माना था, इसलिए हम इससे स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर एक ऑडियो एड के तौर पर जिक्र नहीं कर रहे जो कि बिजनेस में इस्तेमाल हुआ करती थी। हाँ, अलबत्त इसके इस्तेमाल और इसकी अहमियत से इनकार भी नहीं किया जाता, बिलाशुबा और रेडियो इस्तेमाल होता रहा है फॉर बिजनेस पर्पजेस। जी, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट वॉज द फर्स्ट डिवाइस टू बी यूज फॉर डिस्टेंट कम्युनिकेशन। जी हाँ, दूर बैठे अफराद के साथ कम्युनिकेशन करने का ये पहला आला था, पहली डिवाइस थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन इन 1876। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये पॉइंट आपके लिए बहुत अहम है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जिक्र जिसमें आया, इससे ना सिर्फ आपको अपने स्कूल एज की बुक्स याद आ जाती होंगी, हमने स्कूल लाइफ में पढ़ा था कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन ईजाद किया, किसी एक साइंटिस्ट ने रेडियो ईजाद किया और बल्ब की ईजाद का जिक्र भी हमने पढ़ा था, फिर हम भूल गए। आज आपको ये बातें याद दिलाई जा रही हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और टेलीफोन की इन्वेंशन का ईयर यानी 1876 आपको आपके ऑब्जेक्टिव आंसर्स की प्रिपरेशन में, इम्तहान की तैयारी में मदद देता है, फ़ायदा देता है। इस तरह के सवालात ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ट्रू फॉल्स में, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं, लिहाजा इस पॉइंट को जहन में रखिएगा। जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता रहा है टेलीफोन। थाउजेंड्स ऑफ आवर्स आर स्पेंट ऑन द टेलीफोन एज पीपल कम्युनिकेट फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब। टेक्नोलॉजी हैज़ इनेबल्ड टेलीफोन टू प्रोवाइड एडिशनल सर्विसेज टू इट्स यूजर्स सच एज कॉन्फ्रेंस कॉलिंग, कॉल वेटिंग, थ्री वे कॉलिंग, कॉल फॉरवर्डिंग, स्पीड कॉलिंग, रिपीट कॉल, रिटर्न कॉल, वॉइस मेल, कॉलर आईडी एटसेट्रा। तो कहा गया कि टेलीफोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता रहा है, अभी भी हो रहा है इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। और जब हम टेलीफोन का जिक्र करते हैं तो टेलीफोन से मुराद वो पुराना रिवायती किस्म का टेलीफोन सेट नहीं है जो कि टेबल पर पड़ा होता है, बिलाशुबा आज भी वो इस्तेमाल होता है। आप किसी भी दफ्तर में, किसी भी ऑफिस में चले जाएं, प्राइवेट या सरकारी दफातर में, हर टेबल पर एक टेलीफोन सेट आज भी आपको नज़र आता है, कम से कम पाकिस्तान में ज़रूर नज़र आता है और उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। लेकिन जब हम टेलीफोन की बात करते हैं तो टेलीफोन से मुराद इसकी जदीद शक्लें भी हैं जिसमें मोबाइल फ़ोन या सेलुलर फ़ोन भी शामिल है, और हमारा अगला पॉइंट, अगला पैराग्राफ सेलुलर फ़ोन से मुतल्लिक ही है। तो हमने पढ़ा कि टेलीफोन टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा मज़ीद जदीद करके
टेलीफोन यूज़र्स को बहुत सी सहूलतें फ्राहम की गई, जिनमें से चंद एक का हमने ज़िक्र पड़ा, जैसे कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और थ्री वे कॉलिंग वगैरह। दीज टूल्स प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ वेज टू इम्प्रूव द क्लैरिटी, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एवरी ओरल कम्युनिकेशन। और इन डिवाइसेस, टेलीफोन डिवाइस में जब इन लवाजमात का इजाफा किया गया, ये एक्सेसरीज बढ़ा दी गई, तो मैसेज की क्वालिटी, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ गई। और इस तरह से टेलीफोन ने अपनी अहमियत को और भी मनवा लिया, और तकरीबन कमोबेश एक सदी तक टेलीफोन कारोबार की दुनिया में छाया रहा। और इसके बाद सेलुलर फोन ने इसकी जगह ले ली। सही मानों में पूरी तरह से तो जगह नहीं ली, क्योंकि टेलीफोन आज भी अपनी हैसियत के साथ मौजूद है और इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, अलबत्ता सेलुलर फ़ोन या मोबाइल फ़ोन या सेल फ़ोन इसकी एक जदीद शक्ल है। तो आइए देखते हैं कि सेलुलर फ़ोन क्या है, कब और किसने इसको दुनिया के सामने मुतारिफ़ करवाया। इन 1973 मार्टिन कॉपर एंड हिज टीम एट मोटरोला द कम्युनिकेशन कंपनी डेमोंस्ट्रेटेड द फर्स्ट सेलुलर फ़ोन। जी हाँ, इस डेट को भी याद रखिएगा, ये एक बार फिर से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। ऑब्जेक्टिव टाइप में या शॉर्ट आंसर्स में इसका जिक्र हो सकता है कि सेलुलर फ़ोन किसने इंट्रोड्यूस करवाया, कब इंट्रोड्यूस करवाया। तो उसका जवाब 1973 है, मार्टिन कूपर एंड हिज टीम, और इदारा कौन सा था, मोटरोला द कम्युनिकेशन कंपनी डेमोंस्ट्रेटेड द फर्स्ट कॉल फोन। एट दैट टाइम ही डिड नॉट नो दैट ही हैड performed a wonder. In late 80s, cellular phones started gaining popularity and gradually it became to rule over the lives of businessmen. जी यहाँ एक बात इजाफी आपके सामने बयान कर दूँ, आपके नॉलेज में इजाफे के लिए, कि जब 1973 के दौर में मार्टिन साहब ने सेलुलर फोन दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो अगले 10 साल तक मार्केट में इसको कोई ख़ास पजीराई ना मिली, लोगों ने इसको परचेस ना किया। मैं जब मार्टिन कूपर का ज़िक्र पढ़ रहा था इंटरनेट पे आपका ये लेक्चर तैयार करने के लिए, तो वहाँ मैंने एक हैरान कन बात पढ़ी कि अगले 10 साल तक दुनिया ने इस इजाद को, इस डिवाइस को कोई अहमियत ना दी। फिर आखिर इस शख्स ने, मार्टिन कूपर साहब ने एक तदबीर इख्तियार की। उसने क्या किया कि ये सेलुलर फ़ोन अपने हाथ में लिए हुए ये सड़क पर निकल आया, फुटपाथ पर चला जा रहा है और बात करने लगा, इसका इस्तेमाल करने लगा। जब लोगों ने इसे इस अंदाज में इस्तेमाल करते हुए देखा, तो फिर इसके इस्तेमाल का आगाज़ हुआ, लोगों ने इसकी ख़रीदारी शुरू की। और पहला सेलुलर फ़ोन ना सिर्फ महंगा था, यानी पहले से मुराद इसकी जो पहली शक्ल थी, फर्स्ट वर्जन था, वो ना सिर्फ महंगा था, बड़ा भारी भरकम था, वो पॉकेट में नहीं समाता था, इसका साइज़ एक ईंट के बराबर हुआ करता था। जी हाँ, आपको हैरानगी होगी कि इसका साइज़ एक ईंट के बराबर हुआ करता था, वज़न में भी कमोबेश ईंट जैसा ही था, जेब में नहीं समाता था, और इसकी कॉल भी काफ़ी महंगी हुआ करती थी। लेकिन 1980 और इसके बाद जब लोगों ने इसको ख़रीदना शुरू किया, इसका इस्तेमाल होने लगा, और ख़ास तौर पर इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, कारोबारी दुनिया में इसकी अहमियत लोगों को समझ आई, तो फिर इसमें मज़ीद तहकीक हुई। सेलुलर फ़ोन को ना सिर्फ जदीद किया गया, इसकी शक्ल व सूरत बदल गई, ये अपने साइज़ में, जिसामत में छोटा होता चला गया, अपनी कीमत में सस्ता होता चला गया, बल्कि इसमें बहुत सी एक्सेसरीज़ का इजाफा होता चला गया। इब्तदाई सेलुलर फ़ोन तो सिर्फ आवाज़ ट्रांसफ़र करने का काम करता था, आज के दौर में ये अपनी ज़ात में मुकम्मल इंटरटेनमेंट है, ये आपके रिकॉर्ड्स अपनी ज़ात में महफूज रखता है, आपको इंटरटेनमेंट फ्राहम करता है, और बहुत कुछ है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं इसी सेलुलर फ़ोन से मुतल्लिक। द सेलुलर फ़ोन हैज़ प्रिवेल्ड अपॉन सोसाइटी एज मच एज
द टेलीफोन डेट्स 100 ईयर्स अगो, यानी आज से 100 साल पहले जिस तरह से टेलीफोन एक मर्तबा दुनिया पर छा गया था, इसी तरह आज के दौर में सेलुलर फ़ोन दुनिया पर और ख़ास तौर पर कारोबारी दुनिया पर छाया हुआ है। किसी भी शख्स का सेलुलर फ़ोन के बग़ैर गुजारा नहीं, ख्वाह वो एक कारोबारी शख्स हो, वो तालिब इलम हो, कोई रिसर्चर हो या कोई आम सा शख्स हो, कोई भी शख्स आज के इस दौर में सेलुलर फ़ोन मोबाइल फ़ोन के बग़ैर आपको नहीं मिलेगा। ये इसकी अहमियत है। 100 ईयर्स अगो, ओके, बिजनेस मैन एंड इंडिविजुअल्स आर यूजिंग दिस डिवाइस टू फैसिलिटेट देमसेल्व्स, यानी कि बिजनेस मैन और आम लोग, हर तरह के लोग इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में सहूलत हासिल करने के लिए। अब अगली बात थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इसकी टेक्नोलॉजी या इसका फार्मूला क्या था या ये बना कैसे, कि मार्टिन कूपर साहब ने 1973 में इसको इंट्रोड्यूस तो करवा दिया, लेकिन ये था क्या, आइए देखते हैं। कंबाइनिंग द टेक्नोलॉजी, कंबाइनिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ ऑडियो एंड टेलीफोन कम्युनिकेशन, रेडियो एंड टेलीफोन कम्युनिकेशन, द सेलुलर फोन हैज इंक्रीज्ड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेटर टू अनप्रेसिडेंटेड लेवल। तो कहा गया कि रेडियो टेक्नोलॉजी और टेलीफोन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन दो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके एक नई चीज़ यानी सेलुलर फ़ोन का वजूद बना और इसने फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी या मूवेबिलिटी बढ़ा दी अपने यूज़र की, यानी सेलुलर फ़ोन को इस्तेमाल करने वाला यूज़र अब बड़ा रिलैक्स है, वो फ्लेक्सिबल है इसके इस्तेमाल में, वो जहाँ भी है जिस हालत में भी है मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के साथ, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के ज़रिए लोगों से रबते में रहता है। द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ सेलुलर फ़ोन इज़ दैट इट अलाउज यू टू स्टे इन टच विद योर कस्टमर्स इवन व्हेन यू आर नॉट इन ऑफिस। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि एक मैनेजर साहब ख्वाह अपने ऑफिस में ना हो, वो मीटिंग में हो, दोस्तों की कंपनी में हो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे हुए हों, वो अपने बिजनेस के साथ इन टच रहते हैं। इसके बाद वॉइस मेल है। जी वॉइस मेल का ताल्लुक टेलीफोन के ख़ानदान से ही है। वॉइस मेल कारोबारी दुनिया में बड़ी अहम चीज़ है और बिजनेसमैन इससे बहुत फ़ायदा उठाते हैं। वॉइस मेल इज़ एन ऑडियो एड विच इज़ यूज्ड इन बिजनेस कम्युनिकेशन। वॉइस मेल रिकॉर्ड्स मैसेजेस ऑन अ कंप्यूटर डिस्क फॉर लेटर रिट्रीवल बाय द रिसीवर। व्हेन एन इनकमिंग कॉल इज नॉट रिस्पोंडेड, द कंप्यूटर और सिस्टम रिस्पॉन्ड्स बाई टेलिंग द कॉलर हाउ टू लीव अ मैसेज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिस्कवर्ड दैट वॉइस मेल इज एन इनएक्सपेंसिव एंड अ कन्वीनियंट वे टू हैंडल मैसेजेस। जी तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा हमें हो गया इस पैराग्राफ को पढ़ कर के। वॉइस मेल क्या काम करता है कि आपके लिए मैसेजेस को रिकॉर्ड कर लेता है। कोई बहुत अहम फ़ोन कॉल थी लेकिन मैनेजर साहब उसे अटेंड ना कर पाए, ही वॉज नॉट इन द ऑफिस, तो अब वो इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल मिस नहीं होगी बल्कि वॉइस मेल डिवाइस के ज़रिए से उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और जैसे ही मैनेजर साहब अपने ऑफिस में आते हैं, फरागत पाते हैं, तो वो उस मैसेज को, वॉइस मेल को रिसीव करते हैं, सुनते हैं एंड ही एक्ट्स अकॉर्डिंगली, फिर उसके मुताबिक अमल किया जाता है। तो बिजनेस मैन ने महसूस किया कि एक तो ये उनका वक्त बचाता है, दूसरा किसी भी इम्पॉर्टेंट मैसेज या फ़ोन कॉल के मिस हो जाने के ख़तरे को ख़त्म करता है, यानी कारोबारी दुनिया में
ये एक नेमत से कम ना था कि एक क्लाइंट, एक नया गाहक जो कि आपसे राबता करना चाहता है और आप उसकी फ़ोन कॉल किसी वजह से रिसीव नहीं कर पाते, तो ख़तरा था कि आप अपने एक नए गाहक को खो दें। मगर अब ऐसा नहीं है, वो नया क्लाइंट, वो नया कस्टमर आपके लिए मैसेज छोड़ जाता है और फिर आप विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड विद प्रॉपर प्रोटोकॉल उसे रिस्पॉन्स करते हैं, उसे जवाब देते हैं। द पर्सन, अब देखते हैं कि वॉइस मेल पे जब हमने मैसेज छोड़ना है तो उसके क्या एटिकेट्स हैं। द पर्सन हु लीव्स अ मैसेज शुड मेंशन हिज नेम, फोन नंबर, हिज डिपार्टमेंट, हिज डेजिग्नेशन एंड द मैसेज इन सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स फॉर द कन्वीनियंस ऑफ रिसीवर। जी हाँ, कहा गया कि जो बंदा मैसेज छोड़ रहा है उसको चाहिए कि अपना पूरा बायोडाटा, अपनी पूरी तफसीर बयान करे, अपना नाम, अपने डेजिग्नेशन, अपने इदारे का नाम, अपना फ़ोन नंबर भी साथ में रिकॉर्ड करवाए और फिर अपना मैसेज सादा और आसान लफ्ज़ों में रिकॉर्ड करे ताकि सुनने वाला समझ सके कि आखिर मैसेज है क्या और किस से रिलेटेड है। इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि आपका मैसेज रिसीवर एक मसरूफ़ शख्स है, उसको बहुत से मैसेजेस अटेंड करना है। आपका मैसेज इकलौता वाहिद मैसेज नहीं है जो कि उसकी वॉइस मेल पर है, बीसियों और मैसेजेस भी हैं। तो अगर आप अपने पूरी डिटेल के साथ अपना मैसेज रिकॉर्ड करते हैं तो फिर वो शख्स आपको असेस करेगा, उसके पास आपका फ़ोन नंबर है, आपका डेजिग्नेशन, आपके इदारे का नाम है, मैसेज मौजूद है, तो वो समझ जाता है, अंदाज़ा लगा लेता है कि कौन सा मैसेज कितना इम्पॉर्टेंट है और किस शख्स को पहले जवाब देना है। और अगर आप सिर्फ अपना मैसेज छोड़ते हैं, अपना नाम, डेजिग्नेशन, अपना फ़ोन नंबर, अपने इदारे का नाम वगैरह नहीं बताते, तो आपका मैसेज किसी काम का नहीं रहता और बहुत मुमकिन है कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो वॉइस मेल के बाद हमारी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है जी, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इसका जिक्र हमने टेलीफोन में पढ़ा था। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या है? ये टेलीफोन पर मीटिंग का एक अंदाज है इन विच मोर देन वन मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में एक से ज़ायद अफराद बायक वक्त हिस्सा ले सकते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इज़ अनदर ऑडियो टूल विच हेल्प्स इन द प्रमोशन ऑफ बिजनेस ऑन लार्ज स्केल। टेलीकॉन्फ्रेंस इज़ अ मीटिंग ओवर द टेलीफोन, यू एंड योर कोलीग्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और वर्ल्ड कैन लिंक अप वाया टेलीफोन स्पीकर सिस्टम एंड कम्युनिकेट एज इफ यू वर इन अ मीटिंग टुगेदर। जी, तो कहा गया कि टेलीफोन स्पीकर सिस्टम का इस्तेमाल करके आप और आपके बहुत से कोलीग्स, बहुत से क्लाइंट्स, आपके सबॉर्डिनेट्स या आपके सुपीरियर्स एक मीटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, आप सब एक दूसरे की आवाज़ सुन रहे हैं। और ये क्या है? ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सपोज योर कंपनी हैज़ ऑफिसेस इन 8 डिफरेंट कंट्रीज और 8 डिफरेंट सिटीज। हाँ जी, अब हम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की इम्पॉर्टेंस पढ़ रहे हैं कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। 8 डिफरेंट कंट्रीज एंड यू वॉन्ट टू गेट फीडबैक फ्रॉम द मैनेजर्स। इन द पास्ट यू वुड हैव टू विजिट ऑल द मैनेजर्स एट वन मीटिंग प्लेस और यू वुड हैव टू टॉक टू दैम ऑन फोन इंडिविजुअली। यानी माजी में अगर एक बड़े बिजनेसमैन को अपने मुख्तलिफ मुल्कों में, शहरों में फैले हुए बिजनेस से रिलेटेड कोई फीडबैक हासिल करना है, मुख्तलिफ एरिया मैनेजर्स से राबता करना है, तो दो तरीके थे कि या तो उन सब मैनेजर्स को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए मीटिंग के लिए, वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, वो एक्सपेंसिव भी हैं, डेफिनेटली उनके सारे जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं और किसी होटल में उनके ठहरने के एक्सपेंसेस हैं, वो इदारा बर्दाश्त करता है। दूसरा तरीका यह था कि आप तमाम मैनेजर साहबान से इंडिविजुअली फर्दन फर्दन बात करें, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है।
लेकिन टेलीकॉन्फ्रेंसिंग ने ये मामला आसान कर दिया। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की मदद से अब एक ही वक्त में हम बहुत से मैनेजर साहिबान से बाइक वक्त रबते में रह सकते हैं। जी नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, और यू वुड हैव टू टॉक टू देम ऑन टेलीफोन इंडिविजुअली, नाउ विद द हेल्प ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग यू कैन टॉक टू ऑल ऑफ देम एट द सेम टाइम एंड कैन डिस्कस बिजनेस अफेयर्स। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इज़ नॉट ओनली इकोनॉमिकल बट ऑल्सो टाइम सेविंग, एम्प्लॉयज़ कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन कम्युनिकेशन वीदर दे आर इन देयर होम ऑफिस और ऑन द रोड। जी तो इससे हमें पता चला कि ना सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव है, खर्च कम करती है इदारे का, टाइम सेविंग भी है, और इसे ना सिर्फ मैनेजेरियल लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है बल्कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग को एम्प्लॉयज़ वर्कर्स भी अपनी सतह पर इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे की कारकर्दगी जानने के लिए, एक दूसरे के डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट को समझने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज़ नॉट फिनिश्ड येट, अभी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, बट आज का लेक्चर हम यहाँ स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम अपनी बात शुरू करेंगे, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में फ़र्क देखेंगे, इसकी अहमियत को समझेंगे। तब तक के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।